हेलो एवरीवन हेलो गाइस वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप लोग गुड इवनिंग गाइस गुड इवनिंग एवरीवन सो गाइस आई एम ऑडिबल और विजिबल एक बार मुझे फटाफट -फड़ जल्दी से बता दीजिए क्या आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं ओके फाइन 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 सो गाइस बेसिकली आज का जो सेशन है ये एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं जितने भी हमारे इन्वायरमेंट को लेके जो कंसर्नस हैं चाहे क्लाइमेट चेंज को लेके हो, उन सारी रिपोर्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे चाहे वाटर के बारे में हो चाहे एनर्जी के बारे में हो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो आज के अपने सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं विद डिटेल के साथ उसी के साथ साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट की डिमांड थी सर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके बारे में और ज़रूर बात कीजिएगा क्योंकि राज्यसभा ने पास कर दिया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और बेसिकली आपको पता है जो बिल था वो एक्ट बन चुका है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूं हमारे करंट के लिए भी यूपीएससी पूछ सकता है और उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं हमारे इन एक्ट्स के अंदर तो फटाफट जल्दी से मुझे एक बार सभी स्टूडेंट बता दीजिए आर यू गाइज रेडी एक बार मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कर दीजिए जस्ट गिव मी वन मिनट ओके फाइन फाइन ठीक है तो ज्यादा डिले नहीं करते फटाफट -फड़ अपने टॉपिक पर आते हैं और बहुत डिटेल के साथ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं सो बिफोर स्टार्टिंग मैं बात करूं अपने बारे में दिस इज अनिरुद्ध मलिक आई टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन फाइव इन आई टॉट एंड मेंटर मोर देन थर्टी थाउजेंड्स ऑफ ऑफलाइन स्टूडेंट्स एंड लैक्स ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स वहीं पर हम बात करें वाई अन एकेडमी ऐसा क्या है स्पेशल है कि अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है प्रिपेशन सारी चीज़ों में गाइज ये ऐसा सब्सक्रिप्शन है जहां पर पूरी प्रम्स मेन्स ऑप्शनल प्लस इंटरव्यू फिल्म मेन्स ऑप्शन प्लस इंटरव्यू इन सब की प्रिपरेशन आपको एक ही जगह मिल जाएगी कहीं जाने की जरूरत नहीं है ऑल द वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर है एक ही सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स मिलेंगे अनलिमिटेड बैचेस मिलेंगे जैसे मेरा बैच स्टार्ट होगा ये नहीं मेरा ही कर सकते हो और भी एजुकेटर्स के कर सकते हो और जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा आप अनलिमिटेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो अनलिमिटेड व्यूज़ है डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है और ये सारे बेनिफिट सिर्फ आपको एक सिंपल कोड दैट इज कैपिटल ए एम टेन को यूज़ करने से मिल जाएगा और यही नहीं आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी गाइडेंस मिलेगी क्या अप्रोच होना चाहिए प्रिपरेशन को लेके वो भी आपको हेल्प हो जाएगी वहीं पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जितने भी स्टूडेंट हैं जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए थे उनके लिए एक ऑफर है अभी अन एकेडमी पर आपको फिफ्टी परसेंट तक का डिस्काउंट मिल रहा है जिसके अंदर पूरी जी एस प्रिलिम्स मेन्स की ऑप्शनल इंटरव्यू मेन्स आंसर राइटिंग प्रिलिम्स आंस प्रम्स की जो टेस्ट सीरीज है मेन्स की टेस्ट सीरीज है प्लस आंसर राइटिंग प्लस मेरी मेंटरशिप जैसे ही आप ए एम टेन कोड यूज करते हो यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 50 परसेंट यहां पर आपको किस अप्रोच के साथ प्रिपरेशन करनी है क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बिकॉज यूपीएससी अपने आप में बहुत ही वाइड हो जाता है अगर मैं बात करूँ यूपीएससी पी सी का जो कोर्स है उसको कैसे मैनेज करना है कौन सी बुक पढ़नी है आंसर राइटिंग कैसे नोट्स मेकिंग करना है कब से हमें नोट्स बनाने हैं कब से आंसर राइटिंग उन सब चीजों में आपको मेरी हेल्प रहेगी जैसे ही आप ए एम टेन कोड यूज करते हो 2023 का जो फिलिम्स है ट्वेंटी एट मे को है तो जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आप अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है टू ईयर या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इफ यू आर बिगनर यहां पर सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी और आपका जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है अगर मंथली बेसिस पर बात करेंटी दैट मीन बहुत ही नॉमिनल है वहीं पर अगर मैं बात करूं आरम बैच आपका इलेवेंथ ऑफ मे से स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर ऑल द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर यह पूरी प्रिपेशन में आपको गाइड करने के साथ साथ आपको पूरी कवरेज होगी और फिफ्टीन मे को मेरा फिजिकल ज्योग्राफी का प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो अभी भी आपके पास टाइम है लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है ए एम कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वहीं पर गाइज अगर आप लोन के थ्रू लेना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर बट याद रखना बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कंसर्न है रिगार्डिंग मेंटरशिप तो अगर आप एम टेन कोड यूज़ करते हो तो आपको मेंटरशिप गाइडेंस सारी चीजें बहुत अच्छे से मेरे एंड से कवर हो जाएंगी तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं अगर आपको चीज़ों को स्ट्रक्चर करना है वेल well प्लान करना है तो आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं और आप चीज़ों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है तो यूज ऑनली कोड ए टेन तभी आपको मेंटरशिप गाइडेंस मिल पाएगी आते हैं फटाफट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत सारे स्टूडेंट्स थे सर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में पढ़ा दीजिए जल्दी से आइए फटाफट गाइस हम सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो 1972 के अंदर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं 2022 के अंदर उसके बारे में बात करने वाले हैं ठीक है फटाफट फ़ड़ जल्दी से बात करेंगे कितने शेड्यूल कम हुए हैं क्या कम हुए हैं ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि हमें ये शेड्यूल्स और अपने इस एक्ट को अमेंड करने की जरूरत पड़ी जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपने आज के इस सेशन के अंदर दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट टू टू क्या जरूरत पड़ी क्या हुआ कैसे हुआ देखिए गाइस क्या हुआ अभी आपको पता होगा 1972 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था उसको अमेंड कर दिया गया है 2022 के अंदर अब अगर मैं प्रॉपर एक सिनेरियो, एक प्रॉपर एक स्टेप बाई स्टेप, स्टेप क्या चीजें हुई उसके बारे में डिस्कस करूं तो आपको समझना होगा चीजों के बारे में सर एक स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस हुई थी याद रखना आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन इज डिफरेंट स्टॉकहोम कन्वेंशन डिफरेंट है एक 1972 के अंदर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि बेसिकली जितने भी वर्ल्ड लेवल पर इन्वायरमेंटल इश्यूज थे उनको डिस्कस करने को लेके ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 उस टाइम पर हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया 1972 के अंदर जैसे ही वो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके वापिस भारत में आती हैं वो सोचती हैं कि इंडिया के अंदर भी कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे एक्ट या कोई भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न होना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में अपने इन्वायरमेंट को हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट कर सके तो क्या हुआ गाइज 1972 के अंदर हमारा सबसे पहला एक एक्ट एक बनाया गया जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोला जाता है दैट इज 1972 इस एक्ट को बनाने का मेन मोटिव यही था कि जो हमारी फ्लोरा एंड फोना की स्पीशीज है दैट मीन जो प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज हैं उन स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जाए मैं फिर आपसे बोल रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको मिस मत कीजिएगा आप लोगों को लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं बाद में आप लोगों को आज के जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज है उनको प्रोटेक्शन करना पड़े तो गाइज अगर हम बात करें 1972 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था उससे पहले इंडिया के अंदर सिर्फ पांच नेशनल पार्क्स थे शनल पार्क और अगर मैं आज के डाटा की बात करूं तो नाव इंडिया के अंदर वन जीरो सभी लोगों को पता होगा इसी वजह से ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसका काम क्या था कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना फ्लोरा एंड को कंजर्व करना तो फ्लोरा एंडोना को कंजर्व करने के लिए हमें नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बायोस्पेयर रिजर्व बनाने पड़ेंगे इसी वजह से हम इस एक्ट को लेके आए तो सर हम क्या किया जब ये एक्ट आ गया तो इस एक्ट के आने से क्या हुआ सर ये एक्ट जैसे ही आया तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहां पर हमने डायरेक्ट्रेट बनाया और वो डायरेक्ट्रेट क्या था वाइल्ड लाइफ डायरेक्टरेट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन जो हमने वहां पर क्रिएट किया वहीं पर स्टेट लेवल पर हमने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बनाए जो हमारे वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना है उनका प्रोटेक्शन किस तरीके से किया जाए स्टेट लेवल पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और सेंट्रल लेवल पर जो डायरेक्ट्रेट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन है वो हमने फॉर्म किया 1972 का जो एक्ट था समझना मैं फिर बता रहा हूं, बिल्कुल फोकस चीजों को में 106 है, sorry, sorry, में 106 हमारे पार्क है अभी और भी नेशनल पार्क के साथ अपडेट हो गए हैं और वहीं पर जैसे वेटलैंड्स हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं टाइगर रिजर्व्स है आपको पता लग रहा होगा कि कितने हम फॉर्म्ड कर रहे हैं हम बार बार क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम इन बायोडाइवर्सिटी को बचा सके क्लियर है अब क्या हुआ सर जब हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया उसी के साथ साथ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो 51 आर्टिकल है उस 51 का ए प्लस सब क्लॉज जी जो है उसके अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके आपका एक आर्टिकल डाला इसके अंदर जो 51 वन ए जी है सब क्लॉज जी है इसके अंदर हमारा जो एक आर्टिकल था उसमें हमने बात की कि हमें क्या करना है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट और जो हम रिवर्स हैं लेक्स हैं वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करना है ये हम लेके आए अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर भी आप सभी लोगों को पता होगा क्लियर है किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी समझ में आया तो अगर हम बात करें सो ये क्या है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी फिर क्या हुआ सर आगे आगे आके कि हमारे जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके अंदर हमने 6 शेड्यूल बनाए छह शेड्यूल मतलब कि जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको कैसे कंजर्व किया जाएगा और उनको किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी और अगर मैं बात करूं, ये छह शेड्यूल हैं उसमें जो शेड्यूल वन है उसके अंदर जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं जिनको रिग्रेस प्रोटेक्शन की जरूरत है वो हमने शेड्यूल वन के अंदर रखे दैट मींस अगर कोई इनकी किलिंग करता है ये कंप्लीटली बैन है अगर होती है तो उसके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टीज लगाई जाएंगी वो स्पीसीज हमने शेड्यूल वन के अंदर रखी शेड्यूल टू के अंदर हमने वो एनिमल्स रखे जो कि हाई प्रोटेक्शन जिनको देना है जिनको हंटिंग नहीं कर सकते और याद रखना कि बेसिकली अगर ह्यूमन लाइफ को थ्रेट होता है तो परमिशन के थ्रू हम इनको मार सकते हैं बट उसके लिए परमिशन पहले रिक्वायर्ड होनी चाहिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की तो ये सेकंड शेड्यूल है इसके अंदर वो एनिमल्स रखे गए प्रोटेक्शन यहां पर भी है बट जो पेनल्टीज हैं वो इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम है शेड्यूल टू के अंदर जो स्पीसीज रखी गई शेड्यूल थर्ड के अंदर वो स्पीसीज रखी गई जो एंडेंजर्ड तो नहीं है समझने की कोशिश करना शेड्यूल थर्ड और फोर्थ के अंदर वो स्पीशीज रखी गई जो एंडेंजर्ड तो नहीं है बट उनकी जो हंटिंग है उनके ऊपर प्रोहिबिटेड है दैट मींस उनकी हंटिंग नहीं की जा सकती बट याद रखना उनके जो ऊपर जो पेनल्टीज हैं, वो लेस होंगी कंपेयर टू जो शेड्यूल वन और टू के अंदर है ये चीजें हमने रखी वहीं पर जो शेड्यूल फाइव है इसके अंदर हमने वो एनिमल्स रखे कि जो शेड्यूल वन टू थ्री फोर के अंदर है बट वो या तो ह्यूमन लाइफ को थ्रेट पहुंचा रहे हैं या एग्रीकल्चर लैंड पर जो क्रॉप है उनको थ्रेट पहुंचा रहे हैं उनको हम इस शेड्यूल फाइव के अंदर रखा जिसको हम वर्मिन बोलते हैं दैट मींस इनकी हंटिंग की जा सकती है अगर एक ऑर्डर पास होता है उसके थ्रू वो हमने शेड्यूल फाइव के अंदर रखे शेड्यूल सिक्स के अंदर हमने वो प्लांट्स रखे वो स्पीसीज रखी जो स्पीसीज विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट आप उन को नहीं लगा सकते प्लांट्स को तो याद रखना इट प्रोवाइड्स रेगुलेशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स कुछ स्पेसिफाइड प्लांट्स हैं जिसको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते उसकी कल्टीवेशन के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं और याद रखना ये आपका शेड्यूल सिक्स के अंदर रखा गया ऐसे टोटल छह शेड्यूल बनाए गए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर समझ में आ गया उसी के साथ साथ आपकी बॉडीज बनाई गई कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या करेंगी फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करेंगी उसमें सबसे पहला था नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ अगर आप लोगों को पता होगा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ पहला बनाया गया, जिसको कौन करेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरा बनाया गया स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जिसको हेड कौन करेंगे स्टेट के चीफ मिनिस्टर तीसरा बनाया गया सेंट्रल जू अथॉरिटी उसके बाद एन टी सी दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और उसके बाद वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये पांच इस तरीके की बॉडीज बनाई गई इंपॉर्टेंट चीजें चीजे बता रहा हूं आपको यहां पर खुद से चीजों को पढ़ोगे अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कॉन्सेप्ट को ठीक है ये इस तरीके की चीजें हुई समझ में आया किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए अब क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो जो ये ये बनाया बनाया गया गया था कि प्रोटेक्शन एक्ट है ये क्यों बनाया गया? सर सबसे पहले तो जो हंटिंग हो रही थी एनिमल्स की उनको प्रोहिबिट करना था उनको रोकना था सबसे पहले ठीक है उसी के साथ साथ कुछ स्पेशल स्पीशीज थी प्लांट्स की जिनकी कटिंग के ऊपर हमें प्रोबिशन करना था और उसी के साथ साथ जो मेन एम था वो था कि हमें प्रोटेक्टेड एरिया को डिक्लेयर करना नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फेर रिजर्व को डिक्लेयर करना फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना और आपको पता है इंडिया के अंदर वन जीरो सिक्स नेशनल पार्क है फाइव हंड्रेड के अप्रोक्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और टाइगर रिजर्व हैं एंड बायोस्फेयर रिजर्व हैं जो हम प्रोटेक्शन करने के लिए इन स्पीसीज को फ्लोरा एंड फोना के हमने बनाए हैं तो यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी कैसे कैसे कब कब क्या, क्या क्या स्टेप हुए क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे 1972 को वो हमने यहां पर मेंशन कर दिए आप चीजों को पढ़ सकते हो ठीक है फाइव बॉडीज को सर दोबारा रिपीट कर दीजिए सर देखिए सबसे पहली बॉडीज है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है इनका हेड प्रधानमंत्री जी हैं हमारे दूसरी है स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इनके जो हेड हैं वो आप उस देश के उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं तीसरी है सेंट्रल जू अथॉरिटी पांचवी है एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ठीक है और यही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है जिसके हेड कौन है मिनिस्टर और याद रखना जो प्रोजेक्ट चीता है वो इसी एन के अंडर में हो रहा है ये भी याद रखना है और पांचवी कौन सी है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये पांच बॉडीज बनाई गई अंडर द 1972 सेवनटी टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी अब उसके बाद क्या हुआ सर हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो किसके ऊपर था सर साइट्स के बारे में बहुत ज्यादा चीजों के साथ डिस्कशन हो रहा है कि भाई साइट्स का क्या काम है सर साइट्स हमारा जो ट्रेड है इलीगल एंडेंजर्ड स्पीशीज का उस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो ट्रेड है उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है आपको पता होगा बहुत बार मैंने साइट्स के बारे में करंट अफेयर के सेशन में भी पढ़ाया था ठीक है आपको पता होगा तो बेसिकली हम अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इंक्लाइन करना चाहते हैं उसी के पैनल जो साइट्स के प्रोविजन हैं उनको एक साथ एडॉप्ट करके अपने प्रोटेक्शन जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके अंदर लाना चाहते हैं समझने की कोशिश करना आप मैं फिर बता रहा हूं ठीक है क्या है जो इलीगल ट्रेड है एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज का उसके बैन के ऊपर और आपको पता है उसके अंदर अपेंडिक्स है अपेंडिक्स वन अपेंडिक्स टू अपेंडिक्स थ्री जो साइट्स के अंदर है अब हम बात करते हैं कि ये बिल क्या है इसका पर्पस क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को राज्यसभा से परमिशन पास हो चुका है इसके अंदर विच सीक्स टू गिव इफेक्ट टू इंडिया ऑब्लिगेशन अंडर द कन्वेंशन ऑफ ट्रेड दट मीन जो इंडिया का ऑब्लिगेशन है किसके अंडर में साइट्स के अंडर में उसको फुलफिल करने के लिए भाई हम साइट्स में जाते हैं बार बार कि हम इन जो स्पीसीज हैं इनके ऊपर जो बैन लगाइए साइट्स बोलता है भाई आप बार बार बोलते हो बैन लगाइए हम इनके इलीगल ट्रेड को मानते हैं आपके पास कोई लॉ है आप हमें ये बताइए आपकी कंट्री के अंदर ऐसा कौन सा प्रोविजन है जहां पे मेंशन है कि हम इन स्पीशीज को बैन के बारे में बात करते हैं इंडिया को सोचने पर मजबूर होता है इंडिया फिर आके डिस्कस करके ये अमेंडमेंट लेके आता है जिसके अंदर जो साइट्स की ऑब्लिगेशंस हैं दैट मीनस आपके कंट्री के अंदर आप इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास क्या लॉ है वो भी तो आप बताइए तो इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर और जो ऑब्लिगेशन है साइट्स की उसको अपने एक्ट के अंदर डालता है समझ में आ गया यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी इस बिल का क्या ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले वो समझने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन करना और याद रखना पनिशमेंट देना अगर किसी भी तरीके से इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है पहला पॉइंट दूसरा है बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पर किस तरीके से मैनेज किया जाएगा किस तरीके से वहाँ पर जो हाउस होल्ड वाटर है वो प्रोवाइड किया जाएगा ग्रेजिंग है वो एक लिमिटेड एक्सटेंड तक परमिसेबल होगी इसके बारे में और प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड दैट मीन्स जो आपका फॉरेस्ट लैंड है फॉरेस्ट राइट्स एंड लोगों के वो किस तरीके से दिए जाएंगे जो उस रीजन के अंदर लोग रह रहे हैं और उस लैंड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा ये इस बिल का मेन ऑब्जेक्टिव है अब हम बात करते हैं आगे क्या-क्या चीजों के साथ हुआ अभी तक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर टोटल छह शेड्यूल थे जो मैंने 6 के 6 शेड्यूल आपके साथ डिस्कस किए कितने टोटल सिक्स शेड्यूल थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए नाउ अब इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो शेड्यूल है वो रिड्यूज होके फोर हो चुके हैं जो शेड्यूल है वो रिड्यूस होके कितने हो चुके हैं गाइस सर फोर शेड्यूल हो चुके हैं लाइक शेयर करते रहिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कितने शेड्यूल हो चुके हैं सर फोर्थ शेड्यूल हो चुके हैं सो दिस अमेंडमेंट प्रपोज्ड अ न्यू शेड्यूल फॉर स्पीशीज लिस्टेड इन ऑफ साइट्स पहले क्या था कि अलग अलग शेड्यूल थे किसी में अलग था बट साइट्स के अंदर जो अपेंडिक्स के अंदर जो स्पीसीज मैंशन है ऐसा कोई शेड्यूल नहीं था कि किसी शेड्यूल के अंदर वो स्पीसीज मेंशन है जो साइट्स ने अपने अपेंडिक्स के अंदर मेंशन की हुई है दैट मींस उनका जो ट्रेड है उसके ऊपर बैन है ऐसा कोई शेड्यूल नहीं था तो अब हमने जो नए चार शेड्यूल बनाए हैं उसमें एक शेड्यूल हमारा कौन सा है जो स्पीसीज लिस्टेड है अपेंडिक्स साइट की वो स्पीसीज उस, उस शेड्यूल के अंदर मैंशन होंगी याद रख समझ में आ गया दूसरा क्या है सेक्शन सिक्स अमेंडेड टू तो कॉन्स्टिट्यूट स्टैंडिंग कमेटी अब हमने क्या किया इसके अंदर दो कमेटीज बनाई बेसिकली एक तो हमने मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई और एक साइंटिफिक अथॉरिटी बनाई दो अथॉरिटी बनाई एक तो मैनेजमेंट अथॉरिटी और एक साइंटिफिक अथॉरिटी किसके अंदर इस एक्ट के अंदर ठीक है तो अगर हम बात करें सबसे पहले समझने की कोशिश करना सेक्शन सिक्स को जो एक्ट का उसको अमेंड करके एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई और उस स्टैंडिंग कमेटीज के पास पावर होंगी ड्यूटीज होंगी कि जो आपका डेलीगेटेड टू इट बाय स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ पर स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ यहां पर दूसरा क्या हुआ सेक्शन 43 है उसको अमेंड करके जो परमिटेड यूज ऑफ एलिफेंट फॉर द रिलीजियस और एनी अदर जो सेक्शन 43 है उसको अमेंड करके 43 के अंदर जो एलिफेंट है ना उसको परमिट कर दिया गया कि जो रिलीजियस और एनी अदर पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है ओके okay? उसी के साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी एक मैनेजमेंट अथॉरिटी अंडर 49 नाइन e ई के अंदर एक मैनेजमेंट अथॉरिटी ये मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या करेगी ये बेसिकली जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसको किस तरीके से मैनेज करना है उसके बारे में ये मैनेजमेंट अथॉरिटी वर्क करेगी और इसको कौन कर रहा है अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट कर रही है क्लियर है टू अलाउ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट अथॉरिटी एक और अथॉरिटी बनाई जाएगी दैट इज साइंटिफिक अथॉरिटी ओके टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन मैटर रिलेटिंग टू द इम्पैक्ट ऑन द सर्वाइवल ऑफ स्पेसी मैन ऑन बींग ट्रेडेड जो हमारी साइंटिफिक अथॉरिटी है सर्वाइवल ऑफ स्पेसी मैन बींग ट्रेडिड उसके ऊपर यह क्या करेगी गाइडेंस प्रोवाइड करेगी तो दो अथॉरिटी एक तो साइंटिफिक अथॉरिटी एक मैनेजमेंट अथॉरिटी इसके अंदर बनाई जाएंगी एंड द बिल ऑल्सो एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टॉप एंड रेगुलेट द इम्पोर्ट ट्रेड ऑफ इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज एंड एलियन स्पीसीज पॉइंट टू बी नोटेड यह जो बिल है ना सर यह बिल स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी पहले पहले जो पावर थी कि कोई भी स्पीसीज जो है ट्रेड करना है इन्वेसिव स्पीसी या एलियन स्पीसीज का उसकी पावर किसके पास थी स्टेट गवर्नमेंट के पास बट इस बिल के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है अब वो पावर किसको दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो ये भी एक है समझने की कोशिश करना ये भी एक है ओके okay, तो याद रखना द बिल एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड स्टॉप द इंपोर्ट ट्रेड और पोजेशन ऑफ इन्वेसिव और एलियन स्पीशीज वो स्पीशीज जो दूसरे एरिया में जाके वहां पर इम्पैक्ट करती है उनके जो फूड को दूसरी स्पीशीज को खत्म करती है उनको इन्वेसिव स्पीशीज बोलते हैं ये चीजें याद रखना ठीक है समझ में आ गया यहां तक चीजें क्लियर हो गई है किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए यहां तक चीजों के साथ एनी वन ऑफ यू हैव एनी इश्यू ठीक है तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से बहुत अच्छे से सो द बिल ऑल्सो एनहांस द पेनल्टीज प्रिस्क्राइब फॉर द वोलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट मतलब अब आपके ऊपर जो बिल है ये ऑल्सो जो पेनल्टीज है उसके बारे में भी मैंशन किया गया है जनरल वायोलेशन के लिए मैक्सिमम फाइन जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है पच्चीस हजार से एक लाख ,00 यूपीएससी डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछेगी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगी यहाँ से याद रखना मैं फिर बोल रहा हूं कि जो फाइन है वो पच्चीस हजार से इंक्रीज करके कर पचास हजार कर दिया गया है और जो स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया है वहां का जो फाइन है वो मिनिमम दस हजार है और वो एनहांस करके ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कर दिया गया है ये पॉइंट याद रखना ठीक है स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स जो है उसमें टेन मिनिमम टेन थाउजेंड से ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कर दिया गया है और जो जनरल वायलेशन है उसका जो मैक्सिमम फाइन था वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से वन लाख रुपीज कर दिया गया है दैट मीन्स वहां पर पनिशमेंट और जो पेनल्टीज हैं वो इंक्रीज कर दी गई हैं ये भी आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी समझ में आया किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी वॉट आर द कंसर्न क्या क्या कंसर्न है अगर हम बात करें देखिए गाइज यहां पर एनी अदर दैट इज ये जो पॉइंट बोला गया है यहां पर यह स्टेटमेंट वेग है यह स्टेटमेंट वेग है क्योंकि अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करोगे यहां पर जो मेंशन लिखा गया है एक मिनट रुकिए, मैं अभी आपको बताता हूँ यहां पर एक जगह एक पॉइंट मेंशन किया गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक मिनट रुकिए जल्दी से मैं अभी आपको बताता हूं एक मिनट एक मिनट एक मिनट एलिफेंट को लेके मैंने अभी आपको एक पॉइंट पढ़ाया था यहां पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रहा आइए देखते हैं सेक्शन 43 ऑफ द एक्ट इसमें क्या बोला है कि यूज ऑफ एलिफेंट इज परमिटेड जो एलिफेंट का यूज है वो परमिटेड है फॉर रिलीजियस और एनी अदर पर्पसेस बट ये जो एनी अदर पर्पसेस है ना सर ये बहुत वेग स्टेटमेंट है वो पर्पस कौन से हो सकते हैं चीज स्पेसिफिक क्लियरली मेंशन नहीं है इस एक्ट के अंदर तो यहां पर जो एनी अदर जो फ्रेज यूज किया गया है वो बेसिकली वेग है और उसके अंदर जो कमर्शियल ट्रेड है उसको एनकरेज कर सकता है क्यों क्योंकि बेसिकली अब आपका किसी अदर परपस के लिए एलिफेंट को यूज कर सकते हैं बट वो अदर परपज स्पेसिफिकली मैंशन नहीं है ये पॉइंट याद रखना होगा ठीक है सब इंपॉर्टेंट इश्यूज रिगार्डिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इको सेंसिटिव रूल हैज नॉट बीन एड्रेस्ड इसके अंदर नहीं हुए हैं द साइंटिस्ट बॉटनिस्ट बायोलॉजिस्ट आर शॉर्ट इन नंबर नीडेड ग्रेटर इंक्लूजन टू एस्केलेट द लिस्टिंग ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट मीन जो बॉटनिस्ट हैं बायोलॉजिस्ट हैं वो नंबर्स में कम हैं ताकि हमारा जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज हैं उनको हम लिस्टिंग कर सके वो हमारे पास अभी भी सफिशेंट नंबर पर नहीं है ये मैंने आपको पूरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन बता दिया साइट्स के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूं कि साइट्स क्या है साइट्स एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि कोई भी आपका जो ट्रेड है उसको बैन करने के लिए या स्पीसीज का जो ट्रेड है उसको कंट्रोल करने में वर्क करती है और याद रखना रेजोल्यूशन 1963 में एडॉप्ट हुआ था मेंबर्स मेंबर्स मीटिंग ऑफ 1975 में फोर्स में आ गई थी और जो साइट्स का सेक्रेट्रेट है उसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है यू एन ई पी दैट मीन यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और कहाँ पर लोकेटेड है जेनेवा में स्विट्जरलैंड और इंडिया का सिग्नेटरी है ये आपको पता होना चाहिए अब हम बात करें वॉट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है 1976 के अंदर फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 51 वन ए जी आया था और फोर्टी एट ए आया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर इनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यह पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए ठीक है समझ में आ गया ओके हाँ वाइल्ड लाइफ जो वार्डन है उसकी परमिशन है बट कुछ चीजों में जो पावर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई हैं ये चीजें आपको पता होनी चाहिए समझ में आ गया इस इस जो बिल है ये क्या सीख कर रहा है कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज है प्रोटेक्टेड अंडर द साइट्स उसको इंप्लीमेंट करने की बात कर रहा है ये बिल ठीक है जो वर्मिन स्पीसीज हैं उनका जो शेड्यूल था शेड्यूल फाइव वो हटा दिया गया है ये भी पॉइंट याद रखना साइट्स का अपेंडिक्स वाला जो शेड्यूल है वो एक ऐड किया गया है इसके अंदर तो टोटल चार शेड्यूल है ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझिएगा इस पॉइंट को ठीक है, ओके समझ में आ गया, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए फिर मैं आगे बढ़ूंगा चीजों को समझने की कोशिश करूंगा ठीक है यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं किस किस स्टूडेंट को बताइए मुझे फटाफट जल्दी से फाइन ओके okay, अब चले आगे की तरफ नेक्स्ट जितनी भी आज के करंट अफेयर्स है ना ये सारे इंपॉर्टेंट है समझ में आया जितनी भी चीजें हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है आज के करंट अफेयर्स में दूसरा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 सर इसको मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए मैं बोल रहा हूं यहां से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं बहुत ही ज्यादा है रीजन बताता हूं क्यों क्योंकि देखिए हमारी जो कंट्री है ना वो वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड लेवल में जो रैंकिंग प्रोवाइडेड होती है उस रैंकिंग में टॉप फाइव रैंक के अंदर आ रही है किसमें क्लाइमेट चेंज के इंडेक्स में तो जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी आई है जो लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं हमारी रैंकिंग टेन थी 2022 के अंदर अब वो रैंकिंग हमारी एट हो चुकी है किसके अंदर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर समझ में आया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay, अब बात करते हैं हुआ क्या चीजें क्या हुई एक बार वही अपना मेथड चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं सर बेसिकली अभी क्या हुआ जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आया इसमें 59 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन ये टोटल 60 थे इसकी रैंकिंग दी गई कि कौन सी कंट्रीज़ है जो क्लाइमेट प्रोटेक्शन जो है क्लाइमेट परफॉर्मेंस है उसमें रैंकिंग कौन सी है देखिए गाइस क्या हुआ कि जो शुरू की वन टू थ्री रैंकिंग है वो आपकी एम हो गई वो खाली रह गई दैट मीन्स किसी भी कंट्री ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया कि उनको वो रेटिंग्स प्रोवाइड हो सके जो वन टू थ्री के लिए रेटिंग्स की रिक्वायरमेंट थी किसी भी कंट्री को वो रेटिंग्स नहीं मिली और अगर आपसे कोई पूछे टॉप पर कौन रही टॉप पर फोर्थ रैंक पर कंट्री रही डेनमार्क जो कि क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में फोर्थ रैंक पर है और अगर मैं बात करूं अगर आप आगे चीजों के साथ नोटिस करोगे तो सर जो चाइना है चाइना फिफ्टी रैंक पर है यह चीज याद रखना चाइना फिफ्टी रैंक पर है दैट मींस ये अभी भी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है क्या सबसे पहले तो आपको यह समझना है सर सिंपल सा पॉइंट है कि जो कंट्रीज है ना वो क्लाइमेट को जो क्लाइमेट है उसका जो इंपैक्ट है उस इंपैक्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या मेजर्स -क्या ले रही हैं क्या-क्या वो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए मेजर्स ले रही हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए क्या-क्या मेजर्स -क्या ले रही हैं एनर्जी का यूज करने का क्या-क्या मेजर्स हैं क्लाइमेट चेंज करने को कौन-कौन सी पॉलिसीज हैं वो अपने अंदर लेके आ रही हैं कंट्रीज के अंदर उन बेसिस के ऊपर ये इंडेक्स दिया गया है तो याद रखना अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से वो चार बेसिस हैं जिन बेसिस पर किसी भी कंट्री को कि वहां पर किस लेवल पर उनकी रैंकिंग है वो मेंशन की गई है तो ये चार बेसिस हैं जिन बेसिस पर ये इंडेक्स दिया गया है सबसे पहला है कि जो ग्रीन हाउस एमिशन है वो कितना कर रही है पहला है ग्रीन हाउस एमिशन कितना कर रही है याद रखना दूसरा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कितना रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से यूजेस हो रहा है उनका और जो उसकी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कितना ज़्यादा वो अपनी कंट्री के अंदर फोकस्ड है उन चीज़ों को लेके तीसरा है एनर्जी यूज़ कि उनका जो एनर्जी यूज़ है वो किस तरीके से है कितना वो कोल के थ्रू फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू एनर्जी को तीसरा है उनका क्लाइमेट को लेके क्या पॉलिसीज़ हैं ये चार बेसिक चीज़ें हैं जिनको डिसाइड करते हुए रैंकिंग प्रोवाइड की गई है कंट्रीज को कि कौन सी कंट्रीज को क्या क्या चीजें ठीक है यार ब्राइटनेस तो बिल्कुल जीरो है यार बिल्कुल जीरो ठीक है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से सो ग्रीन हाउस रिन्यूएबल एनर्जी यूज क्लाइमेट पॉलिसीज ये पांच है अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैस को किस तरीके से कितना एमिशन है रिन्यूएबल एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी इनको लिख लीजिए ये चार बेसिस हैं जिनके बेसिस पर रैंकिंग प्रोवाइड हुई है अब क्वेश्चन बनता है कि इंडिया को रेटिंग कहां पर सर जो ग्रीन हाउस है उसमें इंडिया को हाई रेटिंग मिली है दैट मींस इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए समझ में आ गया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में इंडिया को मीडियम रेटिंग मिली है मीडियम रेटिंग मिली है वहीं पर जो एनर्जी यूज़ है इंडिया को इसमें हाई रेटिंग मिली है याद रखना दैट मीन्स हमारा जो एनर्जी का यूज़ है हम फॉसिल फ्यूल से कन्वर्ट हो रहे हैं रिन्यूएबल में और किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं इसमें हमें हाई रेटिंग मिली है और वहीं पर जो क्लाइमेट की पॉलिसीज़ हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो कैसे पॉलिसीज़ हैं कौन कौन सी पॉलिसीज़ बना रहे हैं उसमें हमें मीडियम रेटिंग मिली है और इन बेसिस पर हमारी कंट्री वर्ल्ड में एट्थ रैंकिंग पर आती है क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर और जो रैंकिंग वन पर आती है मतलब वन टू थ्री तो वैकेट चली गई और फोर्थ रैंकिंग पर जो टॉप कर रही है वो डेनमार्क है सेकंड नंबर पर स्वीडन है थर्ड नंबर पर चिली है फोर्थ नंबर पर मोरक्को है और फिफ्थ नंबर पर इंडिया है और अगर मैं बात करूं फोर्थ पर डेनमार्क फिफ्थ पर स्वीडन सिक्स पर चिली सेवन पर मोरक्को एट पर इंडिया और लास्ट ईयर इंडिया की जो रैंकिंग थी वो टेन थी ये पॉइंट आपको याद रखना है समझ में आ गया क्लियर है तो सर ये बेसिकली जो रैंकिंग है वो किस बेसिस पर दी जाती है इसका मेन एम होता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है क्लाइमेट पॉलिटिक्स को लेके वो कंट्रीज में ट्रांसपेरेंसी हो चुके कि वो क्लाइमेट प्रोटेक्शन को लेके क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है उन कंट्रीज के अंदर कौन कौन से एक्ट्स आ रहे हैं ये बेसिकली उन बेसिस पर परफॉर्मेंस इंडेक्स दिया जाता है तो क्या हुआ ये कौन पब्लिश करता है सी इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको कौन पब्लिश करता है ये चीज याद रखना ग्रीन हाउस एमिशन में इंडिया की रैंकिंग हाई रेटिंग है यह चीज याद रखना रिन्यूएबल में मीडियम है एनर्जी यूज में हाई है और आपका जो क्लाइमेट पॉलिसी है उसमें भी आपकी मीडियम है हमारी जो इंडिया की रैंकिंग है कौन पब्लिश करता है इसको जर्मन वॉच एक न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एनुअली 2005 से इसको क्या कर रहा है पब्लिश कर रहा है कौन कर रहा है जर्मन वॉच है याद रखना जर्मन वॉच सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन पब्लिश कर रहा है आपके सामने दे दिया यूएनईपी या आईपीसीसी कोई भी बॉडी दे दी आप कंफ्यूज हो जाओगे अरे सर कौन कर रहा है यही कर रहे होंगे क्लाइमेट चेंज से बट याद रखना इट्स अ जर्मन वॉच जो कि न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट नेटवर्क जो दो से एनुअली रेगुलर बेसिस पर है इट इज़ एन इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल ये इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है जिसमें क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स 59 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का दिया जाता है और ये कंट्रीज कलेक्टिवली मोर देन 92 परसेंट ग्लोबल एमिशन जो होता है ग्रीन हाउस गैसेस का उसके लिए रिस्पांसिबल है क्योंकि 60 कंट्रीज है ना जो रैंकिंग दी जा रही है और ये 60 कंट्रीज 92% ग्रीन हाउस एमिशन का जो एमिशन है वो ये कंट्रीज करती हैं इसका एम क्या है एम है कि अनाउंस करें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स में और कंपैरिजन जो है कि कौन सी कंट्री क्लाइमेट प्रोटेक्शन को लेके कितने एफर्ट्स एंड प्रोग्रेस कर रही है वो हम आइडेंटिफाई कर सके और उस बेसिस पर उनकी रैंकिंग दी जा सके समझ में आ गया ओके okay, क्राइटेरिया क्या है क्राइटेरिया फोर कैटेगरीज हैं और उन फोर कैटेगरीज के अंदर चौदह इंडिकेटर्स हैं फोर कैटेगरीज कौन कौन सी हैं ग्रीन हाउस एमिशन फोर्टी परसेंट है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी 20 परसेंट है एनर्जी यूज कितना कर रही है किस तरीके से कर रही है 20 परसेंट है और क्लाइमेट को लेके कैसे पॉलिसीज बना रही है उसमें 20 परसेंट पॉइंट है तो टोटल जो क्राइटेरिया है वो फोर कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है और उसमें मैंने इंडिया की रैंकिंग भी आपको मैंशन कर दी है अगर हम बात करें क्लाइमेट ये सारी चीजें हैं मैंने आपको बताया कि जो फोर से लेके एट कंट्रीज हैं डेनमार्क स्वीडन चिली मोरक्को और जो पुअर परफॉर्मिंग नेशन है उसमें चाइना है 51 यूएस 52 ईरान सबसे नीचे है दैट इज द लोवेस्ट जिसकी रैंकिंग 63 है याद रखना इंडिया ओनली जी ट्वेंटी कंट्री है जो टॉप 10 के अंदर लाई करती है ये पॉइंट याद रखना इंडिया इज लाई ऑन द रैंकिंग कौन सा एट रैंकिंग पर इंडिया लाई करती है समझ में आ गया किसी को किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकता है ठीक है समझ में आ गया किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए यहां तक किस किस को चीजें क्लियर हो गई हैं मुझे फटाफट -फड़ जल्दी से बता दीजिए ओके okay. आगे चलें चलते हैं सरकार आगे ये बात हो गई हमारे इसकी अगर हम ओवरऑल कंट्रीवाइज के बारे में बात करें किसी भी कंट्री ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है कि वो हाई रेटिंग मिल सके उसको वेरी हाई तो जो स्टार्टिंग की तीन पोजीशन है वो एम चली गई है डेनमार्क उसके बाद जी ट्वेंटी में इंडिया अकेली कंट्री है यूनाइटेड किंगडम रैंक है जो है वो आपकी इलेवेंथ है किस में जो आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें चाइना 51 है ये सारी रैंकिंग मैंने आपको दिखा दी है वो कंट्रीज अगर मैं बात करूं जो कि बहुत हाई है अगर बात करूं तो इसमें अगर आप कंट्रीज़ देख सकते हैं तो रिज़ल्ट के बेसिस पर आप चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं कि कहां पर कौन कौन सी कंट्रीज़ की क्या क्या रेटिंग्स दी गई हैं ओके अब मैं आगे की तरफ बात करता हूं इंडिया के बारे में टॉप फाइव है ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं आप अगर देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं हमारा जो मेन एम है वो क्या एम है कि हमारा जो टारगेट है 1.5 इस रेटिंग के बाद क्या हुआ है कि हमें टारगेट 1.5 अचीव करना है इंडिया इज अमंग नाइन कंट्री जो रिस्पॉन्सिबल है नाइनटी परसेंट ऑफ द ग्लोबल कोल्ड प्रोडक्शन इट ऑल्सो प्लान टू इंक्रीज इट्स ऑयल एंड गैस एंड ऑयल प्रोडक्शन ओवर फाइव परसेंट बाई टू थाउजेंड थर्टी तो उसको कम करना पड़ेगा सजेशन क्या क्या है जो कार्बन प्राइजिंग मैकेजम है उसको लेके आइए ताकि हमारे जो एक्शन प्लान हैं टारगेट्स हैं वो फुलफिल हो सके उसको लेके अब तीसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है लिविंग प्लान रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे ठीक है आइए जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं तीसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस किसी को जितने मैंने आठ सेशन लिए हैं करंट अफेयर्स के एनवायरमेंट के किसी को लगा कि सर वर्थ इट नहीं लगे ये सेशन किसी भी तरीके से रिपोर्ट्स में या जो मैं करंट अफेयर्स क्योंकि देखो अगर मैं बात करू ना डेढ़ सौ से ज्यादा करंट अफेयर्स हैं दो सौ से भी ज्यादा टॉपिक हैं रोज डेली एक से दो टॉपिक आए होंगे करंट अफेयर्स के बट अगर आप उन सबको पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, कहाँ से आप चीजों को आइडेंटिफाई कर पाओगे कितना मेमोराइज रख पाओगे उसी वजह से मैंने बेस्ट पॉसिबल जो भी हो सकता था वो आप लोगों के लिए किया है एंड प्लीज यही चीज मैं बोल रहा हूं कि बहुत मेहनत से की है इसको वेस्ट मत होने देना ट्वेंटी एट मे को यहां से मैं बोल रहा हूं काफी अच्छे खासे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको डायरेक्टली एग्जाम में ठीक है सारे जो भी मैक्सिमम कवरेज है वो आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूं कि किसी भी तरीके से ठीक है तो वो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उसको बहुत स्ट्रांगली मैं यहां पर आपके लिए कवर करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए कि आपको लगे कि यार ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी ये हम नहीं पढ़ पाए ये पढ़ लेते तो और बेटर होता इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें इनको अच्छे से समझिएगा बाद में फिर इशू होगा कि सर ये नहीं पढ़ पाए वो नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए तो इसी वजह से जितनी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं ये लिविंग प्लेट रिपोर्ट एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है याद रखना

जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है मैमल्स की वो डिक्लाइन हुई है बर्ड्स की एम्बीफियंस की रेप्टाइल्स की अक्रॉस द ग्लोब इन लास्ट फिफ्टी ईयर्स समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने बता रहा हूं ये रिपोर्ट्स दो साल में एक बार आती है बेसिकली और इस रिपोर्ट के अंदर 2022 की जो रिपोर्ट है बताया गया है कि जो 69 परसेंट जो पॉपुलेशन है किसकी मैमल्स की बर्ड्स की एम्फीबियंस की रेप्टाइल्स की फिशेस की, की वो पूरे ग्लोब में 50 सालों में इतनी डिक्लाइन हो चुकी है किसने बताया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने दैट मींस ये रिपोर्ट कौन दे रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ ठीक है ये चीजें समझने की कोशिश ठीक है तो जो वर्ल्ड वाइड फंड है उसने क्या किया उसने रिलीज की एक रिपोर्ट और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 69% परसेंट डिक्लाइन हुई है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में अब क्वेश्चन बनता है कि क्या-क्या चीजें आइडेंटिफाई की गई हैं वो मैं पॉइंट आपके सामने निकाल रहा हूं हाईएस्ट डिक्लाइन इन द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है वो 94% हुई है पिछले 50 सालों में किसके अंदर लैटिन अमेरिका और जो कैरिबियन कंट्रीज वाला जो रीजन है वहां पर अफ्रीका के अंदर 66% परसेंट वाइल्ड लाइफ पिछले 50 साल में डिक्लाइन की है 1970 से 2018 में वहीं पर एशिया पैसिफिक रीजन में 55% परसेंट डिक्लाइन देखने को मिला है अब क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा वो आपको चार रीजन दे देंगे या बोल देंगे कि जो मैक्सिमम डिक्लाइन है वो एशिया पैसिफिक रीजन में देखने को मिला है जो पिछले 50 सालों के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है पॉपुलेशन की मैमल रेप्टाइल्स की वो डिक्लाइन हुई है पर मैक्सिमम डिक्लाइन 94% परसेंट लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और कैरेबियन रीजन है वहां पर हुई है 66% परसेंट अफ्रीका रीजन में और एशिया पैसेफिक में फिफ्टी डिक्लाइन हुआ है अकॉर्डिंग टू द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है याद रख क्लियर है क्लियर है समझने की कोशिश करना सो दीज आर द रीजन जहां पर मेजर हुए हैं ये मैंने आपके सामने मैप के अंदर और बहुत अच्छे से सब जगह का रीजन दे दिए नॉर्थ अमेरिका के अंदर पिछले 50 साल के अंदर ट्वेंटी परसेंट डिक्लाइन हुए हैं जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है नाइन्टी फोर लैटिन अमेरिकन कैरेबियन कंट्रीज में सिक्सटी सिक्स अफ्रीका में एटीन परसेंट यूरोप और सेंट्रल एशिया में और फिफ्टी फाइव परसेंट जो एशिया पैसिफिक रीजन है इस वाले रीजन में डिक्लाइन हुए हैं वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन में समझ में आगे सर हाउ देयर वर ग्रोथ ऑफ मैनी नंबर इन स्पीसीज लाइक फॉर टाइगर्स देखिए गाइज अगर आप बोल रहे हो कि टाइगर की स्पीशीज कैसे इंक्रीज हुई स्पीसीज तो बहुत सारी है ना मिलियंस ऑफ लिए कंजर्वेशन जो एफर्ट्स हैं वो उसी तरीके से कर रहे हो जैसे टाइगर्स के लिए कर रहे हो तो हमें लग रहा है कि टाइगर इंक्रीज हो गए हैं हमने प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए हैं तभी तो इंक्रीज हुआ है लेके ले आए हैं पेनल्टीज लगाई है टाइगर्स के लिए प्रोटेक्टेड एरिया जो टाइगर रिजर्व से वो हैं वो बनाए हैं बट ऐसी लैक्स ऑफ स्पीशीज है जिनका कोई भी कंजर्वेशन नहीं हुआ है वो रैंडमली डिक्लाइन होती चली गई हैं तो इसीलिए ये पूरा डाटा आपके सामने रखा गया है याद रखना समझ में आ गया ये पॉइंट आपको समझना होगा सो डिक्लाइन इन फ्रेश वाटर स्पीशीज यहां से क्वेश्चन बन सकता है पिछले 50 सालों के अंदर ग्लोबली सबसे बड़ा जो मेजर इशू है 83% परसेंट जो फ्रेश वाटर स्पीसीज हैं वो डिक्लाइन देखने को मिला है ओवरऑल अगर मैं बात करूं पिछले 50 साल में 69% परसेंट का डिक्लाइन मिला है स्पीसीज में वहीं पर फ्रेश वाटर में 83% परसेंट का डिक्लाइन मिला है हैबिटेट माइग्रेशन रूट विस्पॉन्सिबल अबाउट हाफ ऑफ दू बी मोनिट्री माइग्रेटरी फिश स्पीसीज मॉनिटर्ड माइग्रेटरी दैट मीनस उनका हैबिटाट लॉस हो चुका है जो उनका माइग्रेशन रूट है उसमें बैरियर आ चुके हैं डैम्स हैं इलीगल फिशिंग्स हैं बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण 83 परसेंट जो फिश की स्पीसीज या जो फ्रेश वाटर स्पीसीज हैं वो ग्लोबली डिक्लाइन की है अकॉर्डिंग टू दैट किसके लिविंग प्लानिट रिपोर्ट टू समझ में आगे आते हैं आगे की तरफ देखिए गाइज अगर हम बात करें जो ये लिविंग है अगर आप समझने की कोशिश करना लिविंग प्लानिट रिपोर्ट है यह क्या करती है यह यूज करती है लिविंग प्लानिट इंडेक्स समझने की कोशिश करना लिविंग प्लानिट इंडेक्स किस चीज के लिए फॉर द वर्टिब्रेट्स जो वर्टिब्रेट्स है उनकी पॉपुलेशन को मीजर करने के लिए सो लिविंग प्लानिट इंडेक्स शोड दैट वर्ल्ड जो वर्टी है वो बेसिकली आपका बहुत स्ट्रगरिंग रेट से बड़े और हाई रेट से डिक्लाइन कर रही है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन किसकी वर्टिब्रेड्स की कहां पर आपका जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर फीचरिंग अबाउट थर्टी टू थाउजेंड पॉपुलेशन ऑफ 5,230 टू हंड्रेड थर्टी स्पीसीज एक्रॉस दर्ल्ड एंड द एल पी आई इज मेजर ऑफ द स्टेट ऑफ वर्ल्ड बायोलॉजिकल डायवर्सिटी बेस्ड ऑन दॉपुलेशन ट्रेंड्स ऑफ वर्टिब्रेट स्पीसीज फ्रॉम टेरेस्ट्रियल फ्रेश वॉटर एंड वाला जो एरिया है आगे हम बात करते हैं यहां पर आप देख सकते हो 69% पॉपुलेशन का डिक्लाइन हो चुका है समझ में आ गया ओके थर्टी जो रिवर्स हैं ओवर थाउजेंड किलोमीटर लॉन्ग रिमेन फ्री फ्लो फ्लोइंग इन देयर नेचुरल स्टेट ठीक है समझने की कोशिश करना 94% परसेंट जो एवरेज डिक्लाइन लैटिन अमेरिका में पैसिफिक में 55, 66 यहां पर है 137 किलोमीटर इरोजन ऑफ द सुंदरवन मैंग्रूव सिंस 1985। एक और मेजर कंसर्न 1985 के बाद 137 किलोमीटर का जो मैंग्रोव एरिया है उसका इरोजन हो चुका है एग्रीकल्चर मोस्ट थ्रेट द प्रियंस जो एम्फीवी हैं उनको थ्रेट है एग्रीकल्चर के कारण हंटिंग एंड ट्रैपिंग एक और थ्रेट है जिसके कारण ये स्पीशीज डिक्लाइन हो रही हैं। मैंग्रोव के बारे में बात करें मैंग्रोव कंटिन्यू टू बी लॉस्ट टू एक्वाकल्चर एग्रीकल्चर एंड कोस्टल डेवलपमेंट एट रेट ऑफ 0.13 परसेंट पर ईयर 0.13 परसेंट एक साल के अंदर जो आपका एक्वाकल्चर एग्रीकल्चर और कोस्टल डेवलपमेंट है उसके कारण इतना ईयरली बेसिस पर मैंग्रोव जो है वो आपका क्या हो रहा है एक तरीके से लॉस्ट हो रहा है मैनी मैंग्रोव ऑल्सो डिग्रेडेड बाय द ओवर एक्सप्लॉयटेशन पॉल्यूशन नेचुरल सच एंड कोस्टल इरोजन और अभी बताया कि 137 स्क्वायर किलोमीटर का सुंदरबन का जो एरिया है वो आपका इंडिया बांग्लादेश वाला वो आपका रिड्यूस हो चुका है और आपको पता है ये मैंग्रूव अराउंड 10 मिलियन पीपल जो यहाँ पर रहते हैं उनको सर्विंग करता है और यहाँ पर जो लैंड है वो ईच एंड एवरीथिंग इस वाले एरिया पर रिड्यूस हो रही है ये मैंने आपको बताया है समझ में आ गया किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए यहां तक चीजें क्लियर है तो दिस इज अबाउट द किसके बारे में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के बारे में यहां पर बात की है थ्रेड क्या है एग्रीकल्चर जो स्पीशीज डिक्लाइन कर रही है हंटिंग लॉगिंग पॉल्यूशन इन्वेसिव स्पीशीज क्लाइमेट चेंज दीज आर द थ्रेट कि जो बड़े लेवल पर 69 परसेंट हमारी जो स्पीशीज है मैमल्स की रेप्टाइल्स की जो डिक्लाइन हो रही है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है समझ में आ गया सर इंडेक्स तो रैंकिंग बताता है ना इंडेक्स क्या करता है डिफरेंस इंडेक्स और रिपोर्ट में कि इंडेक्स तो रैंकिंग बताएगा कि कौन सी कंट्री किस रैंकिंग पर है रिपोर्ट बताता है कि इसमें जब स्टडी की जाती है कि क्या कंडीशन है पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसे रिस्क जब हमने पूरी स्टडी की उसके बारे में हमें क्या पता लगा वो हम रिपोर्ट में देते हैं इंडेक्स उस स्टडी करके उनकी रैंकिंग बताता है कि भाई इन कंट्रीज की ये रैंकिंग है फाइन यहां तक चीजें समझ में आ गई किसी को भी कोई दिक्कत हो इस तरीके से आप बता सकते हो मुझे ओके वहीं पर अगर हम रिकमेंडेशन के बारे में बात करें आपको पता है ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा ऐसा सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो चीजें थी वो मैंने बता दी है ठीक है अब जिसने रिपोर्ट दी है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किसने रिलीज की है डब्ल्यू ने उसके बारे में पढ़ लीजिए व्हाट इज वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर वर्ल्ड की लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है वर्क कर रही है मोर देन हंड्रेड कंट्रीज़ के साथ नाइनटीन में स्टैब्लिश हुई है हेड क्वार्टर ग्लैंड स्विटरलैंड में है इसका जो मिशन है वो नेचर को कंजर्व करना एंड रिड्यूस द मोस्ट प्रेसिंग थ्रेट टू द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ उसका जो थ्रेट है डाइवर्सिटी के ऊपर उसको रिड्यूस करना और वर्ल्ड वाइड जो फंड है वर्ल्ड वाइड फंड है जो नेचर वो बेफॉर नेचर वो कॉलेब्रेट करता है एवरी लेवल पर पीपल के साथ ऑफ द वर्ल्ड ताकि वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस को डेवलप कर सके और जो प्रोटेक्ट कर सके कम्युनिटीज़ को वाइल्ड लाइफ को और प्लेसेस को जहां पर वो रह रहे हैं उस एरिया के समझ में आ गया अब बात करते हैं बन्नी ग्रास लैंड भी इंपॉर्टेंट है बन्नी ग्रास ठीक है रिकमेंडेशन पढ़ सकते हो अगर आप बात करते हो कि कैसे हमें क्लाइमेट चेंज के कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है कैसे फ्यूचर जनरेशन को थ्रेट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है ठीक है कौन कौन से किस तरीके से हमें शिफ्ट करना होगा चीज़ों के साथ किस तरीके से हमें उन्हें फ़ाइनेंस करना होगा क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए कि हम सस्टेनेबल पाथ पर जा सकें उसी के साथ साथ क्या क्या हमारे बेनिफिट्स होंगे कॉस्ट क्या होंगी हमें वो चीज़ों के साथ एक्शन लेने पड़ेंगे उसके बारे में मैंशन किया हुआ है अब बात करते हैं बन्नी ग्रासलैंड के बारे में कराई कैमल फाउंड हेयर बिल्कुल सही बात है क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में आपको पता होगा इस वाले एरिया से यहां से क्वेश्चन पूछा गया था बनी ग्रासलैंड को लेके ठीक है चलें आगे थक गया हूं पढ़ाते पढ़ाते इन्वायरमेंट को आज खत्म कर देंगे कल जोग्राफी का सेशन नहीं होगा होगा तो मैं आपको बताता हूँ परसों से जोग्राफी का सेशन आपके करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाएंगे मे बी कल अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ट्राइब्स ऑफ इंडिया का सेशन लूंगा ट्राइब्स ऑफ इंडिया के ऊपर जो सेशन है उसको कवर करूंगा आप लोगों की डिमांड थी ट्राइब्स ऑफ इंडिया का एक सेशन कवर कर लेंगे ठीक है उसी के साथ साथ ट्राइब्स ऑफ इंडिया के बाद जो आगे का सेशन है वो मैं कवर कर लूंगा उसके लेके ट्राइब्स ऑफ इंडिया के बाद हम जो सेशन कवर करेंगे बेसिकली वो कवर करेंगे आपका जोग्रफी के करंट अफेयर्स का और मॉर्निंग में एलेवन ए एम मैं आपका जोग्राफी के टू हंड्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी यू का सेशन कवर कर रहा हूँ फ्री क्लास है अनएकेडमी ऐप पर सिर्फ आपको ए एम टेन कोड यूज़ करना है और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो बहुत अच्छे से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो किस चीज़ को इसके लिए ठीक मेंटरशिप गाइडेंस आपको मिल जाएगी मेरे एंड से मैं आपको हेल्प करूंगा कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना ठीक है आपका अप्रोच होना चाहिए बस मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि हमेशा अपने एफर्ट्स लगाते रहिए लोगों का मत सोचिए कि लोग क्या कह रहे हैं हमेशा याद रखना कि सबके लाइफ में गोल अलग अलग होते हैं कभी भी कोई भी पर्सन सेटिस्फाइड नहीं होता अपनी चीजों से अपनी प्रिपरेशन से मैं भी यही बोलूंगा कि आज आपका ये गोल है कल गोल अलग होगा वो चीजें बट यूपीएससी का जो गोल है इसको मेंटेन रखिए और अपनी जो प्रिपरेशन करने का एक तरीका है उससे सेटिसफाइड मत हुई चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझने की बेटर तरीके से ज्यादा से ज्यादा अपने टाइम को इंक्रीज करने के बारे में सोचिए उस लेवल पर सेटिस्फाइड मत हुई बट ये मत सोचिए कि यार नहीं हो रहा है छोड़ देता हूं यहाँ पर ये छोड़ना ना सबसे बड़ा बेकार काम है आप लोगों का आप लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हो मैं हमेशा बात करता हूँ यूपीएससी इज नॉट अ किसी के बस की काम नहीं है कोई भी उठा और करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर पेशेंस चाहिए कंसिस्टेंसी चाहिए हार्डवर्क चाहिए डिटर्मिनेशन चाहिए बहुत सारी चीजें चाहिए कि आप अपने गोल की तरफ दो से तीन साल के लिए डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन कीजिएगा और ये बहुत इजी काम नहीं है कहने के लिए बहुत लोग कर रहे हैं दस लाख पांच लाख स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं व्हाट अबाउट द सीरियस कैंडिडेट सिक्सटी थाउजेंड मैक्सिमम वन लाख सीरियस कैंडिडेट है और बहुत हाई कंपटीशन है आप लोग पढ़ रहे हो ऐसे वो भी पढ़ रहे हैं जब आप नहीं पढ़ रहे हो वो तब भी पढ़ रहे हैं ये चीज ध्यान देखिए अगर आपको लगता है कि मैं टाइम को कैसे वेस्ट करूं उसको खत्म कर दीजिए बिल्कुल वो टाइम का जो वेस्टेज है ना वो बिल्कुल खत्म कर दीजिए अगर वो वेस्टेज ऐसे ऐसे होता चला जाएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ठीक है तो बिल्कुल टाइम वेस्टेज बिल्कुल कम कर दीजिए बनी ग्रास लैंड के बारे में बात करते हैं सर बनी ग्रास लैंड एक ऐसा एरिया है जो कि सेमी एरिड ग्रास लैंड है ये क्या है बनी ग्रास लैंड एक सेमी एरिड ग्रास लैंड है बनी ग्रास लैंड क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सर बनी ग्रासलैंड एक तरीके से दो एरिया का कॉम्बिनेशन है एक तो एक ग्रास है और ऊपर से वेटलैंड है यहाँ पर मतलब वाटर का जो लेवल है वो आपका शेलो वाटर है वेटलैंड की तरह यहाँ पर काफ़ी एरिया है तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं वनी ग्रास के अंदर ये ग्रास भी है और वेटलैंड की तरह भी वर्क करता है तो इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखना सो दिस इज वनी ग्रास लैंड पर आप देख सकते हो सेमी एरिड ग्रास है गुजरात के कच्छ रीजन के अंदर ये लाई करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रास हो जाता है याद रखना तो अभी क्यों न्यूज में है गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्लान किया है कि वो टेन थाउजेंड हेक्टेयर का जो बनी ग्रासलैंड का एरिया है उसको रिस्टोर करेगा इन कमिंग ईयर्स एंड डिकेड्स के अंदर ओके okay? अगर मैं बात करूं बनी ग्रासलैंड ऑफ गुजरात जो बनी ग्रासलैंड ऑफ गुजरात है वो फोर परसेंट टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है गुजरात का वो कवर करता है दैट मीन्स गुजरात का जितना एरिया है उसके 4.33 परसेंट एरिया के अंदर बनी ग्रासलैंड है और ये बेसिकली एट डिस्ट्रिक्स के अंदर आता है गुजरात का जो कच्छ रीजन है उस वाले रीजन के अंदर आता है अगर मैं आपको शो करूँ तो ये कच्छ रीजन है गुजरात का यहां पर लाई करता है बनी ग्रासलैंड समझ में आगे क्लियर है तो बेसिकली क्या हुआ कि गुजरात के अंदर इतना और ये तीन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन है जो कि कच्छ सौराष्ट्र एंड सेंट्रल गुजरात वाला पार्ट है मेजॉरिटी ऑफ ग्रासलैंड इन गुजरात 41 परसेंट आर फाउंड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो मेजॉरिटी ऑफ ग्रासलैंड है गुजरात के अंदर उसमें सबसे ज़्यादा वो आपके कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनते हैं जो बनी ग्रास है ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था नाइनटीन के अंदर अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नाइनटीन 1927 का जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसके अंदर इसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 1955 के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया था बिसाइड्स हैविंग इसके अंदर 40 स्पीशीज ग्रासेस की 99 स्पीशीज फ्लावरिंग प्लांट्स की एंड बनी इज आल्सो द होम ऑफ इंडियन वोल्फ वुल्फ जैकॉल इंडियन फॉक्स डेजर्ट फॉक्स कैराकल आपको मैंने पढ़ाया था कैराकल के बारे में हाइना चिंकारा नीलगाय, वाइल्ड बोर इन सारी स्पीशीज और बर्ड्स की 273 स्पीशीज आपको इस एरिया में देखने को मिलती हैं और बहुत सारी थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर माइग्रेट करती हैं विंटर के टाइम पर और याद रखना ये एशिया का लार्जेस्ट ग्रासलैंड है अगर हम बात करें दैट इज द बनी ग्रासलैंड विच इज लाई इन द स्टेट ऑफ गुजरात ओके सो इन जो कोर्ट है उसने नोटिफाइड कर दिया गया था एंड इन 2019 के अंदर एनजीटी ने ऑर्डर दिया था टू डीमार्केट द बाउंड्रीज ऑफ बनी ग्रासलैंड एंड रिस्ट्रिक्टेड नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज जो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज हैं वो इसके अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए और इसका एरिया डीमार्केट कर दिया जाए कि कितने एरिया तक फैला हुआ है बनी ग्रास लैंड सिग्निफिकेंस क्या है हैज आइडेंटिफाइड दिस ग्रास लैंड रिजर्व एज द वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग ऑफ चीता इन इंडिया ऑल्सो अ पॉसिबल री इंट्रोडक्शन साइट बेसिकली बात की गई थी कि जो चीता का री इंट्रोडक्शन हुआ है कुनू नेशनल पार्क के अंदर वो बेसिकली री इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर भी बात कर रहे थे क्योंकि जो लास्ट हैबिटाट था जो चीता का इंडिया के अंदर वो बनी ग्रासलैंड के अंदर आपका देखा गया है तो इसी वजह से ये भी इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है ग्रेट रन ऑफ कच्छ वाले में कंसिडर एज द लार्जेस्ट इन एशिया अगर हम बात करें फॉर्मेशन कैसे हुआ सर इसका फॉर्मेशन हुआ द लैंड वर फॉर्म फ्रॉम द सेडिमेंट्स जो इंडस और अदर रिवर्स के सेडिमेंट्स थे उनके द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया टू इकोसिस्टम है वेटलैंड भी है ग्रासलैंड भी है कहां पर वनी ग्रासलैंड वाले एरिया में यहां पर अगर हम बात करूं स्पार्स एंड हाईली डिपेंडेंट किसके ऊपर है स्पार्सली और हाईली डिपेंडेंट रेनफॉल के ऊपर है लो ग्रोइंग फॉब्स है ठीक है मैनी ऑफ विच आर हेलो फाइल्स हैलो फाइल्स मतलब जो सॉल टॉलरेंट होते हैं यहां पर ट्रेडिशनल मैनेज सिस्टम है रोटेशनल ग्रास ग्रेजिंग का इस वाले एरिया में उसी के साथ साथ ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले हैं जो ग्रासलैंड की कंडीशन है वो खराब हो चुकी है किसके कारण ड्यू टू द अनकंट्रोल ग्रेजिंग के कारण इंक्रीज प्रॉस्पेरिस जूलीफर एक हार्मफुल एक्जॉटिक ट्री स्पीसीज है उसके कारण यहां पर डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया गया है रिवर के ऊपर टूवर्ड्स बनी एंड पीरियडिक ऑफ द ड्रॉट एंड कंटिन्यूस इंक्रीज इन सॉइल सेलिलिटी जो सॉइल है उसकी सेलिनिटी इंक्रीज हो रही है ड्रॉट लाइक कंडीशन है डैम्स बना दिए गए हैं एक्जॉटिक स्पीसीज है और ओवर ग्रेजिंग के कारण इस ग्रासलैंड को इंपैक्ट पहुंचा गया है उसी के साथ साथ यहां पर इन्वेसिव एलियन स्पीशीज भी आई अगर हम बात करें इन 1985 जो एरिया है वो डोमिनेटेड था 54.57 परसेंट जो है वो फॉलोड बाय सलीन बाई एरिया डिवाइड ऑफ कवरिंग 27 परसेंट और बेसिकली जो इन्वेसिव स्पीस स्पीसीज थी ना वो था प्रोसोपिस जूली फ्लोरा एक एलियन स्पेसिव स्पीशीज थी जो 15 परसेंट एरिया को कवर करती है और ये अटैक इस स्पीसीज के कारण भी इस ग्रासलैंड के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है और याद रखना कि बेसिकली जो ये प्रोसोपिस जूली फ्लोरा है ये डोमिनेटेड हो चुकी है एरियाज में और ये मोर देन थर्टी परसेंट एरिया तक एनक्रोच कर चुकी है जो कि नाइनटीन एटी तक काफ़ी कम थी और ये एलियन स्पीशीज काफ़ी एनक्रोच कर चुकी है इसको रिस्टोरेशन को लेके बात कर रहे हैं कि जो एलियन स्पीशीज है उसको रिमूव किया जा सके और उसी के साथ साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने इनग्रेस ऑफ सॉल्ट फ्लैट्स जो हैं उनको स्टॉप करने की बात की गई है और ह्यूज 20 लाख लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इस ग्रासलैंड के ऊपर डिपेंडेंट है एंड सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एनविजन प्रोडक्शन एंड स्टोरिंग ऑफ फोडर फॉर लोकल फार्मिंग एंड पेस्टोरल हेयर यहाँ पर हम प्रोजेक्ट एन विजन लेके आए थे ताकि जो फोडर्स है पॉपुलेशन है उसका जो फुलफिलमेंट है वो हो सके इस वाले एरिया से समझ में आ गया देखिये गुरु घासीदास के बारे में भी कहा जाता है कि गुरु घासीदास लास्ट है बनी ग्रास भी है जहां पर यह लास्ट है देखा गया है इसके बारे में ठीक है समझ में आ गया यह बात है इसके बारे में अब आगे चलते हैं आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इसके बारे में बात करते हैं ठीक है तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज़ रिसेंटली रिलीज़ द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 की जो रिपोर्ट है वो आपकी लेके आई है कौन लेके आया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी लेके आई है इस चीज को भी याद रखना ठीक है बेसिकली जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 है इसके अंदर क्रिटिकल एनालाइज किया गया है कि जो एनर्जी की डिमांड्स हैं जो सप्लाई है कि कितनी लोगों की एनर्जी की डिमांड्स हो रही हैं कितनी सप्लाई है एनर्जी सिक्योरिटी कितनी होनी चाहिए इनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो है वो बेसिकली अपने बारे में क्रिटिकली एनालिसिस कर रहे हैं याद रखना समझ में आ गया क्लियर है अब अगर मैं बात करूं 2019 के अंदर आप देख सकते हो कितना जियोथर्मल सोलर बायोफूल से एनर्जी का यूजेज हो रहा था बट अगर आप 2030 का सिनेरियो देखोगे तो आपका ये जो एनर्जी है वो जियोथर्मल से इतना इन्होंने पूरा डाटा उसको दिया है ताकि हमारा जो सिनेरियो है दैट मीन जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से पहले का जो टेम्परेचर है उससे 1.5 डिग्री से ज़्यादा इंक्रीज ना हो उसको लेके ये बात की गई है तो बेसिकली जो ये रिपोर्ट है ना ये क्या कर रही है ये आपके थ्री डिफरेंट सिनेरियो बेसिकली एजन और जो पॉलिसीज है उनके बारे में बात कर रही है पहला है द स्टेटेड पॉलिसी सिनेरियो ये ट्रेजेक्ट्री बताएगा कि जो करंट पॉलिसीज हैं उसके बारे में जिसको स्टेप्स बोला गया है तीसरा है एपीएस अनाउंस प्लेस सिनेरियो दैट मीन जो कंट्रीज हैं उन्होंने जो टाइम कितने टाइम में हम नेट जीरो कर लेंगे जैसे इंडिया ने 2070 में बताया है तो लॉन्ग टर्म नेट जीरो का विजन क्या है उसके बारे में बात की है नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2050 ये बेसिकली बता रहा है कि मैप्स वे आउट आउट ऑफ आउट अ वे टू अचीव मतलब कि हमारा जो रिपोर्ट है जिस तरीके से हम एनर्जी का यूजेस कर रहे हैं हम कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते कि जो हमारा टारगेट है 2070 तक हमारा जो एनर्जी एमिशन है हम उसको रिड्यूस कर सकें या जो हमारा टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या हमारा जो टारगेट है टू सेवन तक नेट जीरो एमिशन दैट मीन्स नेट जीरो कार्बन कार्बन न्यूट्रल के बारे में बात कर रहे हैं जो कार्बन न्यूट्रल है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से हम एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं जिस तरीके से एनर्जी की डिमांड है जिस तरीके से कंट्री डेवलप कर रही हैं, आने वाले फ्यूचर को देखते हुए हम कहीं पर भी अभी तक उस बेसिस पर वर्क नहीं कर रहे हैं कि जैसे जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको रिड्यूस किया जा सके 2018 के अंदर ये अलग-अलग डाटा -अलग है कि हमारा कितना हम ऑयल यूजेस कर रहे हैं तो आप देखोगे कि कितना हमने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूजेस किया है ये डाटा और ये चार्ट्स आप एक बार देख सकते हो ठीक है क्लियर है सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 जो रशिया और यूक्रेन में वॉर हुआ है उनकी वजह से एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट हुआ है ग्लोबल एनर्जी मार्केट में क्योंकि एनर्जी आपको पता है रशिया वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है आपको पता है नेचुरल गैस का हो चाहे ऑयल का हो बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड लेवल पर उसके ऊपर सेंक्शंस लगा दिए गए उसको लेके एनर्जी शॉर्टेज एनर्जी का प्राइस इंक्रीज किया और अनप्रिसीडेंट इंसेंटिव टू एक्सक्रेट द ट्रांजिशन ऑफ क्लीन एनर्जी सोर्स ऑफ फ्यूल तो दैट मीन्स जो हम चाहते थे वो नहीं हो पाया इलेक्ट्रिसिटी और हीट की डिमांड विंटर मंथ्स में बहुत ज़्यादा चली जाती है नदन हेमिसफेयर में जिसके कारण जो यूरोपियन यूनियन है उनमें कपल ऑफ ईयर्स में काफ़ी चैलेंजिंग टाइम है ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हैं वो काफ़ी डेस्परेट अटैम्प्ट कि एनर्जी सिक्योरिटी को लेके सब कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी को लेके और आपको पता है जो ऑयल है करेंटली 80 परसेंट ऑफ द ग्लोबल एनर्जी की डिमांड्स को फुलफिल कर रहा है बट इट में ड्रॉप 75% 2030 और 60% 2050 तक हो जाएगा इंडिया का जो कोल जनरेशन और इंपोर्ट्स है वो 2030 तक पीक पर चला जाएगा क्योंकि इंडिया प्रोडक्शन करना चाहती है डेवलपमेंट करना चाहती है तो जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा वाइल गैस इंपोर्ट जो है वो डबल हो जाएगा सेम टाइम के अंदर और इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है टू वन के अंदर अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ओवरटेकिंग ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया और डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको 100 मिलियन टन से ज़्यादा आपका इंक्रीज़ हो जाएगा 2025 तक जो आज का करंट लेवल है उसके कंपेयर में एट प्रेजेंट इंडिया अकाउंट फॉर जस्ट ओवर 10 परसेंट ऑफ द ग्लोबल कंजशन इंडिया पूरे वर्ल्ड का जो ग्लोबल कोल कंज्शन है उसका टेन परसेंट है आफ्टर चाइना जो कि फिफ्टी परसेंट है अगर मैं बात करूँ ग्लोबल लेवल पर जो कोल है उसके बाद इंडिया आपका टेन परसेंट है ग्लोबल कंजप्शन के बारे में क्लियर है तो बेसिकली ये रिपोर्ट आई थी रिपोर्ट के अंदर इन्होंने बताया कि एक तरीके से अच्छी बात नहीं है आने वाले टाइम पर जो हमारा मेन कंसर्न है कि इन्वायरमेंट को हमें एक तरीके से नेट जीरो करना है नेट कार्बन एमिशन को उसके लिए एक तरीके से हमारा प्रोग्रेसिव वे आउट नहीं है कि हम अच्छे से वर्क कर रहे हो हम अपने डेवलपमेंट के लिए अभी भी यूक्रेन रशिया वॉर है उसके उससे भी काफी सारे कंसर्न हमारे सामने देखने को मिले हैं इसके बारे में बात की गई है इसके अंदर समझ में आ गया ओके तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं किसी को भी कोई डाउट अब मैं एक दो चीजें और बता देता हूँ आपको गाइज एक तो आप ये जरूर पढ़ लीजिएगा इसके बाद एमिशन गैप रिपोर्ट ये एमिशन गैप रिपोर्ट है ये यू ठीक है रिलीज की है एमिशन गैप रिपोर्ट ठीक है और इसका थर्टीन एडिशन आया है और इसका जो टाइटल है आपकी बार क्लोजिंग विंडो ट क्राइसिस कॉल्स फॉर रेपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये आपको पता होना चाहिए कि टाइटल क्या रहा ठीक है हाँ दो तीन मैराथन के अंदर कंप्लीट कर दूंगा मैं करंट अफेयर्स उसी के साथ साथ इसके अंदर ग्रीन हाउस एमिशन का जो एमिशन है उसके बारे में बात की गई है और इसके अंदर बात की गई है कि जो गैप है हमारा जो एंटीसिपेटेड एमिशन है 2000 तक का वो हम किस लेवल तक कंसिस्टेंट 1.5 और 2 डिग्री जो में में हमने क्या किया उसके बारे में हमारा जो गैप है है। है है, है, उसके बारे में बात की गई है. Top 7 emitters जो है वो चाइना इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, बेसिकली फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर रहे हैं फॉर दीज कंट्रीज ग्लोबल रिबाउंड 2000 एंड एक्सीडिंग प्री पैंड लेवल कलेक्टिवली जो जी ट्वेंटी कंट्रीज हैं वो सेवेंटी फाइव परसेंट ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडिया रिमेन्स फार बिलो द वर्ल्ड एवरेज जो वर्ल्ड एवरेज है उसके फार बिलो है इंडिया जो कि टू पॉइंट फोर ट्रिलियन सी ओ टू है वहीं पर वर्ल्ड इज़ फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द गोल्स ऑफ पैरिस क्लाइमेट चेंज का जो गोल है वो बेसिकली उससे बहुत शॉर्ट है अभी भी हम उस चीज़ को जो अचीव करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं दिख रहा है और हमें कोई भी क्रेडिबल पाथवे नहीं दिख रहा है ये इन्होंने बोला है और जो पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंदर डिफाइंड ग्लोबल वार्मिंग है जिसके अंदर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से टू पॉइंट टू डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए था और प्रिफेबली अगर मैं बात करूँ वन पॉइंट फाइव से कंट्रोल करना है उसको लेके एज सच अभी तक कुछ हमारी चीजें नहीं हो रही हैं नेग्लिजिबल इफेक्ट हमें दिख रहे हैं चीज़ों को लेके रिकमेंडेशन है कि वर्ल्ड को रिड्यूस करना होगा ग्रीन हाउस गैसेस के अमीशंस को आने वाले आठ सालों में बिकॉज हम चाहते हैं कि दो तक हम चीज़ों को अच्छे से अचीव कर सकें अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज लेके आनी होंगी हैवी इंडस्ट्रीज़ में ताकि जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस कर सकें ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा जो हमारी नीड्स हैं ताकि हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन है उसको कंट्रोल कर सकें अनकंडीशनल एंड कंडीशनल नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन उसको कंडीशन या अनकंडीशनली फुलफ़िल करना होगा ताकि हमारा जो ग्लोबल एमिशन है वो रिड्यूस हो सके 2030 तक जो हमारी करंट पॉलिसीज हैं उसके अंदर आपको पता है हर एक कंट्री जैसे इंडिया है उसने भी अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन डिसाइड किया हुआ है कि इस टाइम तक हम इतना एमिशन कंट्रोल कर लेंगे 2017 तक हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे ये सारी बातों के बारे में डिस्कस किया गया है क्लियर है सो टू बी मोस्ट इफेक्टिव पाथ फॉर लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग दीज़ परसेंटेज मस्ट रीच थर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट ये बोल रहे हैं कि मोस्ट कोस्ट इफेक्टिव पाथ टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू टू डिग्री दीज़ परसेंटेज मस्ट रीच थर्टी टू फोर्टी परसेंट दैट मीन जो हमारे ग्लोबल नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है जो हमने अपना रिड्यूस करने की बात की है कि हम 5 परसेंट और 10 परसेंट रिड्यूस करने की बात की है ग्लोबल एमिशन को अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंदर वो हमें रिड्यूस करने होंगे 30 से 45 परसेंट तभी जाके जो 2030 तक हमने एक आइडिया बनाया है कि हमारा टू डिग्री या वन पॉइंट फाइव डिग्री टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कम होना चाहिए वो तभी अचीव हो पाएगा जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है वो फाइव परसेंट के इंस्टीट थर्टी से फोर्टी फाइव परसेंट तक हम उसको कम कर सके इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं सर आपको पता है भारत स्टेज फोर से हम भारत स्टेज सिक्स आ चुके हैं ताकि जो एमिशन है उसको कंट्रोल कर सके उजाला स्कीम आई थी आप लोगों को पता है ठीक है उसी के साथ साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ठीक है नेशनल एक्शन प्लान बनाया इथेनॉल ब्लेंडिंग 2025 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में ताकि एमिशन कब हो, कम हो सके इंडिया ने अपना जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसको अपडेट कर लिया है वहीं पर अगर आप बात करें यूएनईपी के बारे में तो यूएनईपी के बारे में आप देख सकते हो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है केन्या में रिपोर्ट्स कौन सी देता है एमिशन गैप रिपोर्ट एडेप्टन गैप रिपोर्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक फ्रंटियर्स इन्वेस्ट इन द

बेसिकली so मेंट को लेके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो मैंने आपके सामने अच्छे से कवर कर दिए हैं बहुत डिटेल के साथ साथ आप लोगों को जितना इंटरेस्ट था जितना मुझे अच्छे से लगता था कि आप लोगों को बताना चाहिए मैंने अपना बेस्ट दिया है जो भी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हो सकते हैं मेरे साथ ठीक है समझ में आ गया किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो यहां तक बताइए फटाफट ठीक है यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं, यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो प्लेसेस इन न्यूज का सेशन आने वाला है आज है आपका दो तीन दिन के अंदर 15 से पहले ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर दूंगा इन्वायरमेंट की जो जो चीजें हैं वो कंप्लीटली कवर हो जाएंगी आपकी हो गई हैं, ठीक है थीके? मैंने अपने एंड से जो भी बेस्ट होना चाहिए वो मैंने आपके लिए कर दिया है ठीक है बहुत अच्छे से जो भी अच्छे से हो सकता था चीज़ें मैंने कवर की हैं पॉइंट के साथ बहुत अच्छे से अब याद रखना कल 11 ए एम पर मेरा सेशन है जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्री क्लास है अनएकेडमी ऐप पर ए एम टेन कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हो कल 9 पी एम पर पॉसिबल होगा तो मैं ट्राइब्स ऑफ इंडिया का सेशन लूंगा और उसके बाद जोग्राफी के करंट अफेयर्स लेके आने हैं और आने वाले टाइम पर जितनी जल्दी हो सके मैं पूरा फाइनल जो पिल्डिम्स का एनालिसिस है वो देख लूंगा प्रीवियस ईयर से और जो जो टॉपिक मुझे लगता है कि मिस होने चाहिए रिवीजन होना चाहिए वो आपके सामने ला दूंगा ठीक है गाइस ये बहुत अच्छे से है और मैपिंग सीरीज बहुत अच्छे से कवर कर दूंगा उसके लिए परेशान मत होइएगा आप बिल्कुल भी ठीक है सारी चीज़ें जो भी बेस्ट हो सकती हैं पॉसिबल मेरे एंड से वो मैं आपके साथ प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा क्लियर है तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज पूरी प्रम्स और मेन्स के लिए आरंभ बैच आ रहा है इलेवेंथ ऑफ मे से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो ऑल द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आपको इस बैच के अंदर मिलेंगे जिसके अंदर आपको मेरा मेंटरशिप गाइडेंस सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगी यहाँ पर ये यह बैच आ रहा है इलेवंथ ऑफ मे से और फिफ्टींथ ऑफ मे से मैं यहाँ पर जोग्राफी स्टार्ट करूँगा फिजिकल जोग्राफी और टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग में नाइन ए ठीक है उसी के साथ साथ इलेवन एम जोग्राफ़ी के टू थाउजेंड टू हंड्रेड एम सी क्यू नाइन पी एम करेंट के टॉपिक है मेरे सेशन यहाँ पर मिलेंगे इस आराम बैच के अंदर और फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है मैं फिर बोलूँगा जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी आपका प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस मेंटरशिप के साथ वो एम टेन कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेंटरशिप गाइडेंस क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है हर तरीके से मैं आपके साथ चीज़ों को हेल्प करने वाला हूं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप इन क्लासेस को अच्छे से एक बार रिवीजन कर लें और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बहुत अच्छे से कि क्या क्या है कैसे कैसे है ठीक है जो भी इंपॉर्टेंट एक दो टॉपिक होंगे वो मैं आपके सामने डिस्कस कर दूंगा याद रखना ये आप ए एम टेन कोड यूज करके लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है मेरा टेलीग्राम चैनल है अन अकेडमी अंडेस्को और मलिक उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वहां पर सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिल जाएंगे हाँ वो मैं सब चीजें बताऊंगा उसके लिए एक सेशन लूंगा परेशान मत हो ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा कैसे प्रिपरेशन करें क्या क्या चीजें करें वहां पर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने उसी के साथ एक चीज और है जो पढ़ लीजिएगा जाने से पहले यूएन की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसको जरूर पढ़ लीजिएगा यहां पर कि क्या क्या फाइंडिंग्स हुई हैं बेसिकली ये मोस्ट इसको भी इंपॉर्टेंट कीजिएगा जो यूएन की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है 2023 की इसको एक बार जरूर देख के चले जाइएगा ठीक है आपसे मैं बता रहा हूं और जो जो चीज़ें होंगी अभी आने वाला टाइम है इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि टू बिलियन पीपल के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है थ्री पॉइंट सिक्स बिलियन लोगों के पास एक्सेस सेफली मैनेज सैनिटेशन नहीं है क्या क्या चीज़ें बोली हैं एट्टी परसेंट ऑफ़ द लिविंग अंडर द वाटर स्ट्रेस इन एशिया और वहीं पर नॉर्थ ईस्ट चाइना एज वेल एज़ इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ये बात कर लीजिएगा कहाँ पर कैसे कैसे वाटर सेक्टर को लेके क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में बात कर लीजिएगा ठीक है ट्रम्स ये आप देख सकते हो चीज़ों को लेके और उसी के साथ साथ जो रिपोर्ट है वो क्या बात कर रही है कैसे बात कर रही है एक बार चीज़ों के साथ इंडिया ने जल जीवन मिशन है इसको लेके डिस्कस कर सकते हो और जो वाटर कॉन्फ्रेंस है ये सेकंड यूएन कॉन्फ्रेंस हुई है बेसिकली इससे पहले 1977 में अर्जेंटीना में हुई थी और बेसिकली कहाँ पर मार डेल प्लाटा में ठीक है और उसके बाद ये सेकेंड हुई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए क्लियर है ये सेकंड कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है न्यूयॉर्क में हुई है ये चीज याद रखना इससे पहले 1977 में पहली हुई थी और ये सेकंड है बहुत सालों बाद हुई है इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2023 ओके okay, तो ये चीजें आपकी चीजें कवर हो गई हैं और उसी के साथ-साथ आप लोग फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर वहां पर सेशन मिल जाएंगे ये आपका आरम बैच आ रहा है ए एम टेन कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेंटरशिप डाउट सब कुछ मेरे एंड से क्लियर होंगे मेरा टेलीग्राम चैनल है दैट इज़ अनअकेडमी अंडर स्कोर अनरुद्ध मलिक वहां पर सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाएंगे और आप यहां पर ए एम टेन कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो टेलीग्राम पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा आप ज्वाइन कर सकते हो दैट इज़ अन एकेडमी अंडर स्कोर अनुररुद्ध मलिक जितने भी स्टूडेंट है ज्वाइन कर लीजिएगा पी डी एफ सारी मिल जाएंगी सारी चीज़ों की बाय टेक केयर गाइज सी यू फिर मिलते हैं गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू Take care.